क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। हेलो क्लास, आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे पीपल एज रिसोर्स। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की। पीपल एज रिसोर्स यानी जो लोग होते हैं वो संसाधन है ना, रिसोर्स के रूप में उनको देखा जाता है। जब हमें अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर मिलेगी तो वही पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में बदल जाती है, राइट। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। किसे? ऐसे लोग जिनके पास अच्छी नॉलेज हो, है ना, अच्छी स्किल हो किसी प्रोडक्टिव काम को करने के लिए, है ना, कुछ उत्पाद कर सके वो। पीपल एज रिसोर्स यानी देश के जो मतलब किसी भी कंट्री के जो वर्किंग लोग हैं, है ना, जिनकी स्किल अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, उनकी प्रोडक्टिव स्किल को काउंट करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो मैं यानी वो किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री में, है ना, कैसे अपना योगदान दे रहे हैं, क्या काम करके दे रहे हैं कंट्री को। तो GNP आता है अब, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या होती है, यानी कि किसी देश के नागरिकों द्वारा पूरे साल में दिए गए जो गुड और सर्विस है उसका टोटल वैल्यू है। मतलब जितना काम करके देंगे उससे कंट्री का क्या बढ़ेगा, GNP। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। अब जो जैसे कि दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मिनरल रिसोर्स हो गया, लैंड रिसोर्स हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, तो इन सारे रिसोर्सेज के अलावा भी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है, हम किसी भी चीज का नेगेटिव साइड ज्यादा देखते हैं। अब किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमने उसका नेगेटिव साइड देखना शुरू कर दिया, ठीक है। कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो जैसे कह देते हैं ना कि लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत ज्यादा भुखमरी हो रही है, लोगों को अच्छा मतलब मेडिकल केयर नहीं मिल रहा है ना, पॉवर्टी है, गरीबी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस नेगेटिव साइड के बदले अगर हम इसका जो पॉजिटिव साइड है वो देखें तो वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, अगर किसी चीज की नेगेटिव चीज है तो वो पॉजिटिव में भी उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगे, है ना। तो अगर हम इसे पॉजिटिव वे में देखें तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर जैसे कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर उसको खाना अच्छा मिलेगा, है ना, लोगों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज, अगर हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी होंगी, लोग स्वस्थ होंगे, तो क्या होगा, वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कंट्री में, राइट। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एडुकेटेड हेल्दी। तो हम उसे क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स को जब और भी ज्यादा, है ना, लोगों को और भी ज्यादा एडुकेटेड और हेल्दी बनाया जाता है तो इसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह ही किसी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को इंक्रीज करता है। जिस तरह कंट्री डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि टनल्स बनवाने में, रोड ब्रिजेस बनवाने में, उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। किसके थ्रू? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर में, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है जिनकी, तो उनकी इनकम भी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन जो अनएडुकेटेड और अनस्किल्ड लोग हैं। इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब इसमें ये ना सिर्फ एडुकेटेड और हेल्दियर पीपल को ही अपने काम से फायदा होता है, बल्कि हमारी जो सोसाइटी है उसको भी इनडायरेक्ट वे में उनसे फायदा होता है, ठीक है। जैसे कि कोई डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, वो अपने काम से कमा रहा है ना, उसे फायदा हो रहा है। अब किसी हॉस्पिटल, अच्छा पढ़ा लिखा है डॉक्टर है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसकी अच्छी इनकम हो रही है, वो कमा रहा है, अपने घर वालों को भी हेल्प कर रहा है, तो उसको मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन साथ ही वो मेडिकल फैसिलिटीज को भी बेटर कर रहा है अपने काम से, है ना, यानी कंट्री में वो क्या कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अब जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी रिसोर्सेज की तरह, है ना, या यू कहें कि बाकी रिसोर्सेज के मुकाबले
जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल उनसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड और कैपिटल को यूज करते हैं। ठीक, जैसे भूमि हो गई या पूंजी हो गई, लेकिन जो लैंड और कैपिटल है वो खुद को ही तो यूजफुल, खुद के लिए तो यूजफुल नहीं हो सकते, है ना। वो अपने आप खुद को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए लोगों का होना जरूरी है, राइट। इसके बाद इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। अब क्या होता है कि काफी टाइम से इंडिया में जो उसकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना, इंडिया की कंट्री की जो इतनी बिग पॉपुलेशन है, उसको एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको एक दायित्व ही समझा जाए या एक जिम्मेदारी समझा जाए, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है ना, उसको उसमें निवेश करना, उसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। और इससे क्या होगा कि इसे एक, अगर हम उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, तो उसको एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबके लिए एजुकेशन और हेल्थ, है ना, और ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस एंड सो ऑन। यानी ह्यूमन कैपिटल में अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एसेट में। ओके, तो अब आपकी बुक में दो स्टोरी दी गई है, सकल की कहानी और विलास की। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ये जो स्टोरीज हैं विलास और सकल की, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम विलास की, सकल की स्टोरी देखेंगे। सकल और जो विलास है वो दोनों रहते एक ही गांव में है, सोमापुर में। लेकिन जो सकल है उसकी एज 12 इयर्स है। सकल की माँ घर का कामकाज देखती थी, उसके पिता जो थे बूटा चौधरी वो खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज मैं अपनी माँ की भी हेल्प करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी केयर करता था, देखभाल करता रहता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वो घर में ही बेकार बैठे थे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं मिली उनको। तो बूटा और शीला चाहते थे कि उनका जो बेटा है सकल, वो पढ़ लिख जाए अच्छे से। वो उस गाँव के स्कूल में भी उन्होंने उसका नाम लिखवा दिया, उसको एडमिशन भी मिल गया। उसने जैसे जैसे पढ़ना शुरू करा वो अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। उसके जो फादर थे उसे अब पढ़ाई के लिए, मतलब आगे पढ़ाना चाहते थे उसको, तो इसके लिए उन्होंने क्या लिया, कर्ज ले लिया। तो आगे की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर के कोर्स में उन्होंने, मतलब एडमिशन दिलाने के लिए, मतलब कर्ज ले लिया। तो जो सकल था वो काफी, मतलब अच्छा था, मतलब पढ़ाई में भी उसका मन लगता था, मतलब इंटरेस्ट था उसका पढ़ाई में। तो उसने बड़े लगन से मतलब पूरा कोर्स पूरा करा, और कुछ टाइम के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। फिर उसने एक नए सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया, और इस सॉफ्टवेयर से क्या हुआ कि फॉर्म को अपनी बिक्री में, मतलब हेल्प, मतलब अच्छी होने लग गई उसकी बिक्री। तो जो बॉस था कंपनी का, उसने उसको क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। जैसे कि इस स्टोरी से हमें पता लगा कि जो सकल की मदर थी वो काम में, मतलब बाहर के काम में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो घर के ही काम करती है ना, डोमेस्टिक वर्क में इंटरेस्टेड थी। तो और उसके जो फादर थे वो कमाते थे, और सकल की भी अच्छी खासी नौकरी लग गई थी, उसकी इनकम अच्छी होने लगी। अब बात करते हैं विलास की। अब विलास की स्टोरी क्या है, विलास 11 इयर्स का एक लड़का था जो कि सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे, और विलास जब 2 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वो जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और पासी की मंडी में जाकर बेच दिया करती थी, और मछलियां बेचकर उसको एक दिन में केवल कितने मिलते थे, 150 रुपए। विलास जो था वो गठिया का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वो स्कूल भी नहीं जा सकता था अब इस वजह से, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि उसकी हेल्थ सही नहीं थी, है ना। अब हेल्थ फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, नहीं दिखा पाए तो वो पढ़ भी नहीं पाया, वो स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में, मतलब पढ़ने में भी उसका जो इंटरेस्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वो खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था, और छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ टाइम के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला और भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए मजबूर हो गया। तो
अपनी माँ की तरह वो भी कम ही कमा पाता था। अब जैसे कि आपने देखा सकल मतलब पढ़ लिख गया था, एडुकेटेड हो गया था, हेल्थ अच्छी थी तो कमा पाया, उसकी अच्छी इनकम हो पाई, है ना। और इसी तरीके से वही दूसरी तरफ जो विलास है, उसकी माँ बेशक कमाती थी पढ़ने का, लेकिन क्या कहते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो वो स्कूल नहीं जा पाया, पढ़ लिख नहीं पाया, तो वो क्या क्या हो गया, अपनी माँ की तरह ही क्या करने लग गया, मछलियाँ बेचने का काम करने लग गया। तो उसकी इनकम उसी बेसिस पे, जैसा वो काम कर रहा है उसी बेसिस पे उसकी इनकम होने लगी। अब सकल और विलास की स्टोरी से हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करना, कैसा इन्वेस्टमेंट, अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ हेल्थ केयर, तो अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सेवा अगर दी जाए, उसमें निवेश किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, तो फ्यूचर में उन लोगों के साथ साथ सोसाइटी को भी अच्छा फायदा होता है ना, अच्छा लाभ होता है। तो लोगों में ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, और उसी की तरह उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। अब एक बच्चा भी जिसकी एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट किया गया है, वो फ्यूचर में अच्छी क्या कर सकता है, उसकी अच्छी आय हो सकती है, अच्छी इनकम हो सकती है, और वो सोसाइटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से दे सकता है। ये भी देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, है ना, जो शिक्षित माँ बाप हैं, एडुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों की हेल्थ पर क्या करते हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने खुद भी उस एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंस है उसको फील किया है, महसूस किया है, और अच्छा हाइजीन अपने बच्चों को मिले वो ये भी चाहते हैं। इसी तरह से वो अपने बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है और अच्छा स्वास्थ्य है उसकी जरूरत को ध्यान में रखते हैं। इस तरीके से अब अगर हम देखें इसके ऑपोजिट, जो लोग, जो पेरेंट्स अनएडुकेटेड हैं और एंड लैकिंग इन हाइजीन, मतलब जो स्वस्थ नहीं है और जो पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने मतलब खुद जिस तरीके से रहे हैं उनको मतलब काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होता है ना, स्टेट के लिए भी। तो वो खुद जिस कमी में रहे हैं, उनके बच्चे बच्चों को भी अपनी तरह ही सुविधाओं से वो लोग क्या रखते हैं, वंचित रखते हैं, जैसे कि आपने विलास की स्टोरी में देखा। अब कंट्रीज लाइक जापान, अब ये जो कंट्री है इसने ह्यूमन रिसोर्स में काफी अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है। दे डिड नॉट हैव एनी, इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच, ये जो डेवलप हुई तभी से ही रिच थी, मतलब धनी थी, अच्छा पैसा था। लेकिन ये सब कैसे है, क्योंकि इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों में, है ना, मतलब पीपल में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको फायदा होता है। मतलब लोगों के लिए जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज, और इन्हीं लोगों ने अच्छे से ये जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड और कैपिटल, यानी भूमि और पूंजी, इसका अच्छे से यूज किया हुआ है। तो यही लोगों की जो एफिशिएंसी है और टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है लोगों के द्वारा, है ना, इन लोगों ने जो कुशलता, यानी कि जो एफिशिएंसी है और जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से विकसित करके, उसी से ये जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित की है, तो इसी से ही ये कंट्री रिच डेवलप्ड बन जाती है। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि जिस काम को करने से हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसके तीन सेक्टर्स हैं जिनसे हमें किसी हम फील्ड में, किसी सेक्टर में अगर हम काम करते हैं तो उससे हमें जो पैसा मिलता है। ये तीन सेक्टर्स कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। लास्ट टू टेरिटरी सेक्टर में आ जाता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एसेट्रा।
अब ये जो एक्टिविटीज होती है तीनों सेक्टर्स में, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है इन एक्टिविटीज के थ्रू, और यही एक्टिविटीज नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती है, और इन्हीं एक्टिविटीज को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहला मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एक्टिविटीज की। ये वो हैं जिन्हें जिन्हें करने से हमें पैसे मिलते हैं, है ना, हमें सैलरी मिलती है। मतलब जब हम किसी दूसरे का काम करते हैं या किसी फर्म में काम करते हैं, प्राइवेट फर्म में या फिर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिस में भी अगर हम काम करते हैं, तो हमें उसके क्या मिलते हैं, उस काम की सैलरी मिलती है ना, पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं, वो होती हैं जिन्हें करने से हमें पैसे नहीं मिलते, हम वो काम अपने लिए करते हैं। जैसे कोई किसान अगर फसल उगा रहा है ना, तो उस फसल को वो अपने लिए उगा रहा है, या बाजार में बेचने के लिए या किसी और के लिए नहीं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहलाती हैं। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। अब आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं और जो मेंस होते हैं, उनके जो काम होता है उसको उसमें डिवीजन कर दिया जाता है ना। तो काफी हिस्टोरिकल कल्चर रीजंस के वजह से जो फैमिली है उसमें पुरुष और महिला के बीच में काम का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, कि आमतौर पर जो महिलाएं हैं वो घर का कामकाज देखेंगी और जो पुरुष है वो बाहर का, यानी खेती बाड़ी का। तो जैसे कि आपने सकल और विलास की स्टोरी में भी पढ़ा, जैसे आपने सकल की स्टोरी में पढ़ा था कि सकल की जो माँ थी शीला, वो खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोना, घर का सारा काम करती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी। लेकिन सकल के जो फादर थे बूटा, वो क्या करते थे, खेत में काम करते हैं और उपज को, जो फसल से उपज होती थी उसे बाजार में बेचते हैं और फैमिली के लिए क्या करते हैं, धन कमाते हैं। तो शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी काम करती थी उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलता है ना, उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता। बूटा जो धन कमाता था और परिवार के लिए पालन पोषण पर उसको खर्च कर देता था, तो फैमिली के लिए की गई जो भी ये सर्विस है, जो भी काम है, उसके बदले में जो महिलाएं हैं उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता, उनकी जो भी सेवाएं हैं उसको अब वो नहीं दिया जाता। क्योंकि क्या होता है कि जो वुमेन्स का जो हाउस होल्ड वर्क है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। वही अगर हम देखें विलास की जो माँ थी वो क्या करती थी, इनकम बाय सेलिंग फिश, वो मछली बेचकर अपना आय कमाती थी, है ना, धन कमाती थी। तो इस तरीके से जो फीमेल्स है उनको उनके काम के लिए तब भुगतान किया जाता है, मतलब उनको तब पैसा दिया जाता है जब वो श्रम बाजार में जाकर प्रवेश करती हैं, है ना। कहाँ एंटर करती हैं, लेबर मार्केट में जब वो एंटर करती हैं तब उनको उनके काम का पैसा दिया जाता है, यानी जब वो बाहर किसी लेबर मार्केट है ना कहीं बाहर जाके काम करेंगी, तो उनके जो साथी पुरुष होंगे तो उन्हीं की तरह उनकी जो इनकम होगी वो उनकी एजुकेशन और स्किल के बेसिस पर डिसाइड की जाएगी कि उनको कितना पैसा, ये कितनी इनकम उनको दी जाएगी। किसी भी इंडिविजुअल का एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी एजुकेशन से वो जो भी अवेलेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसका बेटर यूज कर सकता है। अब जो एजुकेशन और स्किल है, यानी शिक्षा और जो कौशल है, वो किसी भी इंसान का मेजर डिटर्मिनेंट होता है, मतलब एक तरीके से कहें कि एक हथियार होता है उसका। तो इसी के जरिए वो मार्केट में इंडिविजुअली क्या कर सकता है, अपना कमा सकता है ना, कमा के खा सकता है अगर वो कुशल है किसी काम में तो। और दूसरी तरफ पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं उनका जो कौशल है वो कम है, और उनकी जो शिक्षा उनको मिलती है वो कम मिलती है। वुमेन्स को उनके काम का कम पैसा मिलता है इन कंपैरिजन टू मेन। ज्यादातर जो वुमेन्स है वो ऐसी जगह पर जॉब करती हैं जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती उनकी जॉब की, या फिर यू कहें कि वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है। अब इस तरीके के सेक्टर्स में जो रोजगार होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो इररेगुलर और लो इनकम वाला होता है। वहां पर मतलब ज्यादा एक तो
पैसा नहीं मिलता है उनके काम का, है ना। और दूसरा इररेगुलर होता है, मतलब आप कभी भी उस नौकरी को आपको छोड़ने के लिए कह दिया जा सकता है। फिर साथ ही साथ इन दिस सेक्टर देर इज एन एब्सेंस, और इन्हीं सेक्टर्स में किस चीज की कमी होती है, फैसिलिटीज लाइक मेटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब यहाँ पर छुट्टियां टाइम पर नहीं मिलती है ना। जैसे कि होता है कि संडे को भी काम पे बुलाया जाता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई चाइल्ड केयर नहीं मिलता, और दूसरी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, और कंट्री डेवलप हो रही है, उसी तरीके से वुमेन्स की जो एजुकेशन है और स्किल फॉर्मेशन है उसके ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो कुछ जो महिलाएं हैं उन्होंने जो जनरल जॉब्स हैं अपनी, जो सामान्य नौकरियां हैं उनके अलावा उन्होंने कई जो दूसरी अदर सर्विसेज हैं, है ना, जो दूसरी सेवाएं हैं जो प्रशासनिक हैं उनमें एंटर किया है। और अब क्या हो गया है कि उनकी जो एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन अच्छी हो गई है ना अब के टाइम में, तो क्या हो गया कि उनको पुरुषों के ही मुकाबले पैसे दिए जाते हैं, उनकी इनकम जो है उन्हीं के ही बराबर है। तो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जैसे कि टीचिंग हो गई और मेडिसिन हो गई, तो इसमें वो ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, फीमेल्स। और कुछ वुमेन्स ऐसी हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सर्विसेज में अपना कदम रखा है, एंटर हुई हैं, ठीक है, जिसके लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस की। मतलब अगर उनको भी पुरुषों के ही मुकाबले वो जो इनकम है उनकी वो दी जाएगी, उनको उतना ही बराबर का पैसा दिया जाएगा, उनकी उतनी ही आय होगी, जब उनकी अच्छे लेवल की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल क्या होगी, स्किल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, किसी भी पॉपुलेशन कंट्री की पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो कैसी हो। अब जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, पहला लिटरेसी रेट और दूसरा हेल्थ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब ये इंडिकेट करता है किसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एंड स्किल फॉर्मेशन को, पीपल ऑफ द कंट्री। अब जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ये डिसाइड करती है कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो कैसी होगी, ठीक है। यानी जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ये डिसाइड करती है कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ाने में, जो लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होगी यानी जो पढ़े लिखे और स्वस्थ लोग होंगे वो कंट्री के लिए क्या होंगे, एक एसेट होंगे। बात करते हैं कि लिटरेसी रेट होता क्या है। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग बाय द एज ऑफ 7 इयर्स इज कंसिडर्ड लिटरेट। मतलब 7 साल की उम्र से अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान पढ़ लिख सकता है सही से किसी भी लैंग्वेज को, है ना, अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, तो उसे लिटरेसी रेट कहा जाता है। अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देखो यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, यानी जो ग्रे कलर से आपको दिखाया गया ये ओवरऑल लिटरेसी रेट है, यानी मैन एंड वुमेन दोनों का। तो करीब 1981 में जो लिटरेसी रेट था वो 41% था, यानी करीब 41% लोग ही पढ़े लिखे थे। लेकिन आप देखो ये जो ग्राफ में ये जो ग्रोथ हो रही है, एक तरीके से ये लिटरेसी रेट बढ़ ही रहा है ना। फिर यहाँ पर 2018 में ये लिटरेसी रेट बढ़कर हो गया 74%, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट इंडियन 2020, 2020 में ये लिटरेसी रेट बढ़कर कितना हो गया, 77.7%, यानी करीब 3 to 4% ये बढ़ा है ना। मतलब फिर आगे है कि केरला हैज इमर्ज एज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। अब जो केरला है उसको पूरी कंट्री में सबसे लिटरेट स्टेट, मतलब सबसे लिटरेट, यहाँ पे काफी ज्यादा लिटरेटेड पीपल्स हैं, फॉलोड बाय दिल्ली। और जो आंध्र प्रदेश है उसमें ये रिकॉर्ड किया गया है कि वहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है, मतलब वहां पे बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। अब जैसे कि आपने सकल की स्टोरी पढ़ी, उसकी लाइफ में जो एजुकेशन थी वो सबसे ज्यादा उसने, मतलब फ्रूटफुल रही वो उसके लिए, है ना, उसको अच्छी नौकरी मिली, अच्छी नौकरी से उसको अच्छी सैलरी मिली। तो हमने क्या देखा उसकी स्टोरी में कि एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट, उसकी लाइफ में जो एजुकेशन था वो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट था जिससे उसकी ग्रोथ हुई,
और उस ग्रोथ ने उसके लिए न्यू एस्पिरेशंस और डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, नए एस्पिरेशंस खोले और उसकी लाइफ की जो वैल्यूज थी वो डेवलप हुई। तो इसी तरीके से ना सिर्फ सकल के लिए बल्कि सोसाइटी के विकास के लिए भी, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी जो एजुकेशन है वो अपना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, वो राष्ट्रीय आय और जो सांस्कृतिक समृद्धि होती है उसमें भी क्या करती है, मतलब जो नेशनल इनकम इनकम है और जो कल्चरल रिचनेस है उसको इंक्रीज करती है। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स। मतलब हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने एलिमेंट्री एजुकेशन में यानी प्राथमिक शिक्षा में एक यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन और क्वालिटी की मतलब काफी ज्यादा गुणवत्ता को प्रदान करने का प्रावधान किया है और इस मामले में लड़कियों पर ज्यादातर जोर दिया गया है, मतलब लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। हर एक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स खोले गए, ठीक है, उनकी स्थापना की गई। काफी बड़ी संख्या में हाई स्कूल के यानी हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी नॉलेज और स्किल के बेसिस पर उनको काम दिलाने के लिए वोकेशनल स्ट्रीम्स काफी बड़ी मात्रा में खोले गए, ठीक है, उनको काम दिलाने के लिए। अब जैसे कि जो 5 ईयर प्लान है, जिसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना, उसकी पहली योजना के मतलब जो पहला प्लान था उसमें था 151 करोड़, ठीक है, एजुकेशन में, जो 2020 से 2021 में बढ़कर हो गया है कितना, 99,300 करोड़। मतलब पहली योजना में 151 करोड़ और 2020 से 21 की जो योजना थी उसमें 99,300 करोड़। यानी कि ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो इससे हमें पता लगता है कि जो अब गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, स्किल और एजुकेशन में काफी अच्छा ग्रोथ, मतलब काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, तो जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हुआ है 18% 1951 से 2018 में 85%। यानी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो पर्सन के रूप में शिक्षा पर जितना है ना, एजुकेशन पे जितना खर्च किया गया है, जैसे आप इसमें देख सकते हो इस चार्ट में, 1951 से 52 में जो पूरा बजटरी अमाउंट था उसका सिर्फ 0.64% खर्च किया गया, जो कि बढ़कर 2019 से 2020 में कितना खर्च हुआ, 3.1%, ठीक है, मतलब पूरे बजट का 3.1% खर्च किया गया। इसके बाद जो केंद्रीय और जो राज्य की जो सरकार थी, जैसे कि जो उसके दस्तावेज थे, जो उसके विभाग होते हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, उसके द्वारा ये जो बजट अमाउंट था वो 2020 से 21 में कितना बताया गया, मतलब उसको घटा करके 2.8% बताया गया, ठीक है। तो इससे जो साक्षरता दर थी वो 1951 के 18% से बढ़कर 2018 में कितनी हो गई, 85%, ठीक है। तो ये जो लिटरेसी है वो हर नागरिक का ना केवल अधिकार है बल्कि ये नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक तरह से लाभ उठाने के लिए भी कंपलसरी है। काफी बड़ा डिफरेंस नोटिस किया जाता है हमारी जो पॉपुलेशन है उसके डिफरेंट सेक्शंस में। अब वो कौन से डिफरेंसेस हैं, जैसे लिटरेसी, जैसे हमने कहा था कि लिटरेसी रेट क्या होता है ना, लिटरेसी क्या है, जहाँ मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख सकते हैं, जानते हैं, समझते हैं पढ़ना लिखना। तो लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 61% इज हायर देन द फीमेल्स, मतलब जो लिटरेसी रेट है वो फीमेल्स में कम है इन कंपैरिजन टू मेल्स, ठीक है, मतलब मेल्स में 16.1% ज्यादा है फीमेल्स के मुकाबले। इट इज अबाउट
14.2% हायर इन अर्बन एरियाज, अर्बन यानी जो शहरी इलाके हैं, एज कम्पेयर टू रूरल यानी जो ग्रामीण इलाके, मतलब शहरी इलाकों में 14.2% ज्यादा है लिटरेसी रेट इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो केरला में 94% लिटरेसी रेट है और बिहार में कम है कितना, 62%। जैसे आप यहाँ देख सकते हो केरला में 94% है, ठीक है, और बिहार में कितने शिक्षित हैं, ओनली 61%। अब जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है, जितने भी प्राइमरी स्कूल सिस्टम है जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ तक है ना, उनको इस एक्सपेंड किया गया है कितना, 7,78,842 2019 से 20 तक। मतलब 2019 में जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है, पहली क्लास से पांचवी तक के जो बच्चे हैं, है ना, जो स्कूली सिस्टम है ये प्राइमरी स्कूल का, उसको एक्सपेंड किया गया, मतलब गांव के, मतलब हर ज्यादा से ज्यादा गांव में इसको फैलाया गया। एजुकेशन की ग्रोथ के मामले में सरकार ने काफी सारी चीजें करी है ना, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका जो मेन लक्ष्य था, जो मेन एम था, वो ये था कि 3 से 18 साल की जो एज के बच्चे हैं उनके लिए इक्वल और क्वालिटी वाली शिक्षा प्रदान की जाए, रटने की शिक्षा के बजाय जो व्यवहारिक और समस्या यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एजुकेशन है उसको सेंट्रल में रखा जाए, वो उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, याद रखने और पारंपरिक जो डिग्री सॉरी याद रखने और जो पारंपरिक ग्रेडिंग होती है उस तरीके की तुलना में जो समस्या समाधान क्षमता है उस पर जोर दिया गया। अब क्या होता है कि कई बच्चे बीच में ही जो स्कूली शिक्षा है उनकी उसको बीच में छोड़ देते हैं, है ना, देयर सो मेनी रीजंस फॉर देम, मतलब कई सारे रीजंस होते हैं उनके लिए, है ना, चाहे उनके पेरेंट्स छुड़वा दें या वो पढ़ा नहीं सकते या जो भी रीजन हो, या हेल्थ अच्छी ना हो, तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो सरकार ने क्या करा, 6 से 14 साल के जो सारे स्कूली बच्चे हैं उनको वर्ष 2010 तक तथा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में क्या चलाया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए शिक्षा, तो मतलब सरकार चाहती थी कि जितने भी बच्चे हैं चाहे वो शहर के हो या गांव गांव तक के जो बच्चे हैं उनको ये जो कम से कम प्राथमिक शिक्षा है एटलीस्ट वो मिल पाए। तो इसीलिए सरकार ने ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये चलाया, और साथ ही प्राथमिक शिक्षा में मतलब प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, इसके लिए उन्होंने सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर ये सारे शुरू करे, ठीक है। तो ब्रिजेस कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर साथ ही उन्होंने और क्या करा कि क्लास में बच्चे जो है मतलब मिस ना करें अपनी क्लास, है ना, मतलब प्रेजेंट रहे क्लास में। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसको बढ़ावा देने के लिए बच्चों के जो उनकी जो पोषण स्थिति है, मतलब उनका जो खाने खाने का जो सुधार है उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट किया गया। दोपहर के भोजन की योजना यानी जिसे कहा गया मिड डे मील स्कीम, इसको शुरू करा, है ना, इसको एनकरेज किया गया। तो इन्हीं सब नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई, उसमें मतलब ग्रोथ होने लगी। अब बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। जो 12वीं योजना थी, जो 5 ईयर प्लान था, उसकी जो 12th प्लान था, ठीक है, 12वीं योजना, उसमें उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में जो एज ग्रुप होता है 18 to 23 ईयर, इसमें इस 27% इन 2019 to 2020, मतलब 18 से 23 साल के जो बच्चे थे जो भी मत और जो कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो मतलब पढ़ रहे थे, एडमिशन लिए हुए थे, उसमें 27% तक की क्या हुई, वृद्धि हुई 2018 में। ये विश्व का मतलब विश्व औसतन, मतलब इट वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इसका जो औसतन है वो 26% से मिलती जुलती है, ठीक है। तो अब ये जो पूरी स्ट्रेटजीज वगैरह थी जो सरकार ने बच्चों के लिए करी कि वो पढ़े, है ना,
एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में काफी अच्छे से मतलब ग्रो करे, तो उसमें उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि फोकस करना ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, एडॉप्शन करना नया करिकुलम, है ना, जो करिकुलम है उसको मॉडिफाई किया जाए और बेहतर तरीके से उसको मतलब मॉडिफाई किया जाए कि बच्चों को और अच्छे से वो समझ सके, वोकेशनलाइजिंग एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डिस्टेंस एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है इन पर भी उनका काफ़ी अच्छा ध्यान केंद्रित रहा है आगे की जो शिक्षा है उसके लिए बच्चों की। ठीक है, तो 1950 मतलब पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले जो शिक्षण है, जो इंस्टीट्यूशंस है या जो कॉलेजेस हैं, है ना, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1951 से 2019 या 20 के बीच कॉलेज और जो विश्वविद्यालय उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं हेल्थ की। किसी भी फर्म का जो मेन एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो, है ना, क्या आपको लगता है कि कोई भी फर्म ऐसे लोगों को काम देगी जो हेल्दी हो, हेल्दी नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं देगी, है ना, क्योंकि अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो मतलब बीमार रहेगा, है ना, रेगुलरली काम पर नहीं आ पाएगा, तो जो फर्म है उसको फायदा कैसे होगा, राइट? तो किसी व्यक्ति की हेल्थ उसे अपनी कैपेबिलिटी जानने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। एक्चुअल में हेल्थ ही हमारे कल्याण का क्या है, एक तरीके से आधार है। इसीलिए पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उसकी कंडीशन या उसका स्टेटस को सुधारने के लिए किसी भी कंट्री के लिए वो मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका लक्ष्य भी यही है कि जनसंख्या की जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें हैं, है ना, वो लोगों तक पहुंचे, खासकर जो इनसे वंचित हैं, है ना, जो गरीब हैं। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 5 डेकेड्स में काफी ज्यादा डेवलप किया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में जितने भी बेड्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, दवाइयाँ हो गई, चेयर्स हो गए, जितने भी फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजों में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, साथ ही प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी और सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, यानी कि इनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जिन हेल्दी लोगों की जरूरत है उनको ट्रेंड करने में गवर्नमेंट ने काफी उन पर मतलब इन्वेस्ट किया है। अब हमारे इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जहां पर ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। देयर आर ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस इन कंट्री। हमारी कंट्री में टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस है? 542 एंड 313 डेंटल कॉलेजेस हैं। ठीक है, जस्ट फोर स्टेट्स, सिर्फ 4 राज्य हैं जिसमें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी रेफर करता है नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कितने टाइम तक, कितने समय तक जीने की उम्मीद कर सकता है। अब जैसे कि 2016 में नोटिस किया गया कि एक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी की गई, 69 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि 2016 तक ये देखा गया कि 69 ईयर्स तक लोग जो थे वो जीते थे। इसके बाद इन्फेंट मोरलिटी यानी IMR डाउन हो गई, 1951 में थी 147 जो गिरकर 2020 में रह गई 36। इन्फेंट मोरालिटी यानी कि जो बच्चे पैदा होते ही मतलब जी नहीं पाते हैं, जो है ना, जो जन्मजात होते हैं वो जो जी नहीं पाते हैं, तो 147 के करीब मर जाया करते थे। 1951 का ये रिकॉर्ड है और 2020 में ये संख्या गिरकर हो गई 36। ठीक है, उसके बाद क्रूड बर्थ रेट भी ड्रॉप हो गया है 2018 में 20% तक। फिर उसके बाद डेथ रेट जो है वो 6.2% हो गया है विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो लोग मौजूदा वेतन पर काम करने के लिए मतलब उनमें कैपेबिलिटी भी है और काम भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब जैसे कि सकल की माँ शीला अपने घर के काम में बिजी रहती थी, है ना, बच्चों की देखभाल करना और अपने पति की हेल्प करना,
तो सकल का जो भाई जीतू और बहन सीतू है वो समय पर खेलने और घूमने फिरने के लिए मतलब निकल जाते थे। तो बेरोजगारी उस टाइम पर विद्यमान कही जाती है जब वो मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, है ना, मतलब जिनकी अपनी मर्जी ना हो काम करने की। शीला की रुचि थी अपने घर के बाहर काम करने में, मतलब अपने घर के बाहर काम करने में उसका इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, जीतू और सीतू जो थे वो भी छोटे छोटे थे, तो उनकी गिनती भी हम एक श्रम में नहीं ले सकते, है ना, उनको भी मतलब बेरोजगार कहा जा सकता है। मतलब जो कि शीला है और जो जीतू सीतू है ना, उसके जो छोटे भाई थे और जो शीला है उसको बेरोजगार नहीं कहा जाता, क्योंकि शीला बाहर काम करना चाहती नहीं थी, मतलब काम करने के इच्छुक नहीं थी, और जो उसके भाई बहन थे वो छोटे थे तो वो कैसे काम करेंगे। तो इसीलिए जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है उसको इंक्लूड किया गया है, पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, मतलब जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में है ना, उसी को ही श्रम बल जनसंख्या में वो लोग गिने जाते हैं। अब जो इंडिया है, इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब क्या है कि भारत में जो ग्रामीण यानी कि जो रूरल और जो अर्बन एरिया है उसमें उन क्षेत्रों में बेरोजगारी है ना, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसकी जो प्रकृति है उस मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उसके नेचर में क्या है डिफरेंस है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अलग है और शहरी क्षेत्र में अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरियाज में कौन कौन सी है, सीजनल और डिस्गज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और अर्बन एरिया यानी शहरी इलाकों में अनएडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है। इसको हम आगे देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गज्ड, जो कि कहाँ पर है, रूरल एरियाज में, और एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, अर्बन एरियाज में। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि मौसमी बेरोजगारी इसको कहते हैं, जब लोग पूरे साल के कुछ महीनों में तो मतलब उनके पास काम होता है लेकिन बाकी के महीनों में उनके पास काम नहीं होता। ये लोग कृषि के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना, आमतौर पर इस तरह की समस्या से ये लोग मतलब पूरे साल जूझते रहते हैं। पूरे साल में कुछ मौसम, कुछ टाइम या कुछ महीने कहें तो ये काफी बिजी होता है इनका, जैसे कि इसमें क्या हो गया, बुआई हो गई, कटाई हो गई, निराई हो गई, है ना, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन बाकी के टाइम में जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ये लोग बाकी के महीनों में खाली बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता। तो इसी तरीके की बेरोजगारी को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है डिस्गज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसे प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे किसी भूमि पर, किसी जमीन पर जहां पर उनको काम मिला है कुछ लोगों को, ठीक है, और उस भूमि पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे परिजन हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक ही परिवार के हैं। किसी काम में 5 लोगों की जरूरत होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इनमें जो बाकी के 3 लोग हैं, ठीक है, बाकी के जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग पहले से काम कर रहे हैं। इन तीनों के द्वारा जो काम हो रहा है वो उसमें ऐसी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना, वो अपने ऐसे कोई खास योगदान नहीं दे रहे हैं। अगर वो 3 लोग हटा भी दिए जाए तो खेत खेत में जो उत्पादकता होगी, जो फसल होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और जो बाकी के एक्स्ट्रा 3 लगे हुए हैं उन्हीं को ही कहा जाता है डिस्गज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो प्रचंड रूप से क्या है, बेरोजगार है। थर्ड है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो अर्बन एरियाज है, उसमें शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना बन गया है, एक सामान्य परिघटना है ये, है ना। तो जो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर हैं वो क्या है, आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, उनके पास जॉब्स नहीं है, वो क्या है, रोजगार पाने में वो असमर्थ है। एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि मैट्रिक के मुकाबले में जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर यूथ है वो ज्यादा बेरोजगार है।
अब इस बेरोजगारी के इफेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम आय और उत्पादकता वाले बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित के रूप में गिना जाता है। ऐसा लगता है कि वो साल भर काम करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है और उनकी जो इनकम है, उस लिहाज से उनके लिए वो मतलब पूरी नहीं है, है ना? लाभकारी रोजगार पाने के लिए काम करने के इच्छुक तो हैं, शिक्षित लोगों की अक्षमता एक बड़ी सामाजिक बर्बादी का संकेत देती है। बेरोजगारी से आर्थिक अधिभार बढ़ता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। ठीक है, फिर आता है पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो गरीब लोग हैं वो बेकार नहीं बैठ सकते, वो कमाई की क्षमता की परवाह किए बिना किसी भी जो दूसरी एक्टिविटीज है, जो दूसरे काम में उनमें लग जाते हैं, और उनमें उनकी जो कमाई है, जो कमाते हैं, उनसे उनका जो निर्वाह है जीवन का, वो पूरा नहीं हो पाता है। मतलब उसमें वो पूरा अपना जो खर्चा है, फैमिली का खर्चा है, वो पूरा ऐसे चला नहीं पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो युवा होते हैं उनमें कैसी फीलिंग्स आ जाती है, वो होपलेस हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं अमंग द यूथ। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, और वो डिपेंड हो जाते हैं ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। मतलब लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उतना धन नहीं होता। बेरोजगारों की कामकाजी आबादी पर वो निर्भर जो निर्भरता है वो बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति है और समाज है उसके जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर क्या पड़ता है, काफी ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू वॉचिंग। थैंक यू।